हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों, वन मोर क्वेश्चन फॉर यू फ्रॉम द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. सम डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन इट इज. व्हाट इज मेंशन इन द बोर्ड एंड एपी कंसिस्ट ऑफ 37 टर्म्स. द सम ऑफ द थ्री मिडल मोस्ट टर्म्स इज 225 एंड द सम ऑफ द लास्ट थ्री टर्म्स इज 429. फाइंड एन एपी. तो ए भी फाइंड आउट करनी है जिसमें कि 37 टर्म्स है और तीन जो सबसे मिडिल मोस्ट टर्म है. तो मिडिल मोस्ट कैसे निकालोगे कि जैसे 37 है तो 37 का हाफ किया आपने तो कितना आएगा 18.5. तो एक तो 18 टर्म हो गई, 19 टर्म हो गई और 20, ठीक है, क्योंकि ये मिडिल मोस्ट टर्म हुआ. तो 18th, 19th और 20th जो टर्म है उनका सम कितना दे रखा है इसने, 225 दे रखा. आप देख लो कि यही तीनों मिडल मोस्ट टर्म होगी, ठीक है. तो इन हमने लिख लिया कि सोल्यूशन में, इसके आंसर में, कि लेट ए बी द फर्स्ट टर्म, डी द फर्स्ट टर्म और डी द कॉमन डिफरेंस. कॉमन डिफरेंस अभी हमारे पास क्या हुआ कि ए 18 प्लस ए 19 प्लस ए 20 इज इक्वल टू हाउ मच इसने दे रखा है, 225 दे रखा है. इसको हम क्या कन्वर्ट कर सकते हैं कि 18 को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 17 डी. इसको 19 को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 18 डी. इसको क्या लिखा जा सकता है, ए प्लस 19 डी इज इक्वल टू 225. आप इसको कैलकुलेट कर लो, ए ए ए 3 ए हो गया प्लस 17 18 तो ये कितना आ जाएगा, 54 डी हो जाएगा, 225. 3 से सारे डिवाइड हो सकते हैं तो डिवाइड कर देते हैं इसको, 3 7 जा और 3 5 जा, तो ये नंबर वन इक्वेशन बन गई. ऐसे ही ये क्या कह रहा है कि एंड द सम ऑफ द लास्ट थ्री टर्म्स. तो 37 टर्म्स हैं तो 37, 36, 35 यानी ए 35, ए 36, ए 37. दिस इज इक्वल टू हाउ मच, 225. इनकी भी वैल्यू इसी तरीके से कन्वर्ट कर दें तो ए प्लस कितना हो जाएगा, 34 डी. ए प्लस 36 क्या बनेगा मेरा, ए प्लस 35 डी. ए प्लस 37 के साथ क्या होगा, 36 डी. दिस इज इक्वल टू 225. ए ए और ए क्या बना हमारा, 3 है. 34, 35 और 36, मिडल मोस्ट 35 है तो 35 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दोगे तो 105 डी इज इक्वल टू 225. 3 से डिवाइड कर दो तो ए प्लस कितना हो जाएगा, 35 डी इज इक्वल टू 225 नहीं 429 है. तो यहाँ पर हमने लिखा 429. तो 3 से इसको डिवाइड किया तो 3 बन जाए 3, 3 4 जाए 12, 3 3 जाए 143. ये सेकेंड इक्वेशन बन गई. ए और डी की वैल्यू आ जाएगी, ए पी आ जाएगी. क्या लिखा हमने कि ए प्लस 18 डी इज इक्वल टू 75, ए प्लस 35 डी इज इक्वल टू 143. माइनस 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 ये कैंसिल होगा, 35 में से 18 जाएगा, कितना जाएगा बचेगा, 17 डी माइनस दिस इज इक्वल टू हाउ मच, 143 में से 75 माइनस किया, 13 में से 8 गए तो 5, 13 में से 5 गए तो 8 आए बच्चे, और यहाँ कितने रह गए, 13 में से 7 गए तो 6 माइनस का आया तो डी इज इक्वल टू 17 चौका 68 4 बना, ठीक है. ये 4 किसी में प्लस कर पुट कर दें, इसमें पुट कर देते हैं डी की वैल्यू तो कितना बन जाएगा, ए प्लस 18 इंटू 4 इज इक्वल टू 75. तो कितना बन गया ये, 18 इंटू 4 75 माइनस 72 तो दे ए इज इक्वल टू क्या आ गया मेरा, 3 आ गया. तो ए की वैल्यू 3 आ गई और डी की वैल्यू 4 आ गई. ए पी बनाई जा सकती है इससे, ए पी तो पूछ रहा फाइंड द ए पी, तो 3 आ गया, फिर 7 आ गया, 11 आ गया. इस तरीके से क्या होगा, ये ए पी आ जाएगी, ठीक है. अच्छा सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा दिमाग खर्च हुआ, कुछ हमारी बुक से अलग सा था,
इसलिए मैंने इसको लिखा, इस पर वेटेज दिया इसको। आपको भी ज़रूर करना है। अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल नहीं सब्सक्राइब कर रखा तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। जय हिंद।